नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बीडीसी चुनाव का किया बहिष्कार। मीर ने कहा, एक ही पार्टी को खुश करने के लिए हो रहे हैं चुनाव। शैला रशीद ने छोड़ी चुनावी राजनीति, बोली, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह लोकतंत्र नहीं। सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा, 5% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। जम्मू में होटल मालिक के घर से 10 लाख का सोना, 1.5 लाख की नकदी चोरी, शादी समारोह में गया था परिवार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश प्रधान जीएम मीर ने जम्मू कश्मीर में होने जा रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सामने इस बात का ऐलान करते हुए मीर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे ये चुनाव केवल एक ही पार्टी के फायदे के लिए करवा रही है। यदि ऐसा नहीं होता, चुनाव की घोषणा के बाद भी विपक्षी दल के नेताओं को पाबंदी के बीच नहीं रखा गया होता। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की नेता शैला रशीद ने चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये ऐलान जम्मू कश्मीर में होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से पहले किया गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होने हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। जम्मू में चोरों ने मंगलवार को दिन दहाड़े चनी हिम्मत इलाके में एक होटल मालिक के घर पर सेंध लगा दी। घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली गई है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी सबूत जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है। हरियाणा के कैथल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि अभी अभी चुनाव शुरू हुआ है और हमारे विरोधियों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि चुनाव की शुरुआत पूरब से करें, पश्चिम से करें, उत्तर से करें या दक्षिण से करें, उनके पास कोई दिशा ही नहीं है। हरियाणा के आदमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और टिकटॉक सनसनी सोनाली फोगाट ने बुधवार को अपने एक बयान में माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं एक सार्वजनिक रैली के लिए हिसार में थी, वहां कुछ कॉलेज के छात्र थे। जब मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए तो उन छात्रों ने भी दूसरों के साथ मिलकर नारे लगाए। मैं नाराज थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे पाकिस्तान से आए हो? अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगती हूं। भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया है। सरकार ने 5,300 परिवारों को 5.5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय किया है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे विस्थापित परिवार को न्याय मिलेगा। पीडीडी के इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन ने की एक दिन की पैन डाउन स्ट्राइक। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज की इंडक्शन वर्कशॉप। सरकार द्वारा टूरिस्ट एडवाइजरी इशू करने के बाद BSNL पोस्टपेड मोबाइल सेवा जल्द ही शुरू करने जा रही है, ताकि टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रंगशल नाट्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में नए प्रोडक्शन की दी जानकारी। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।